आयशी तो एकदम सरप्राइज्ड हो जाती है। सिर्फ वही नहीं, वहाँ पे बैठे सभी चौंक जाते हैं। सोलो उसका टीम मेंबर तो उसे देख के बहुत खुश होने लगते हैं। उबई बस सोलो की तरफ देख देख के उदास हो रहा था। सबसे ज़्यादा हैरान और शौक में तो आयशी के बॉस थे। उन्हें सोलो की टीम मेंबर से पता चलता है आयशी क्या थी, और वो एक एक करके सारी बातें बताने लगता है। आयशी बहुत ऑकवर्ड फील कर रही होती है, इसलिए वो आयजिंग को लेके बाहर चली आती है। वहाँ सोफे पे शिंजे सो रहा था, उन्हें देख के वो उठ जाता है। उनके बात करते करते उबई भी बाहर चला आता है। उसे आयशी से ये पूछना था क्या वो जा रही है। उबई अपनी दिल की बात कहने का मौका ही नहीं पा रहा था। वो कुछ कहने ही जा रहा था, पर ऐसे में सोलो का एक टीम मेंबर आयशी को सभी पुराने दोस्त मिलके लंच करने के लिए ले जाता है। उबई बस देखते रहता है। वो आयशी को यहाँ पे लेके आता है। सभी आयशी की खूबसूरती की तारीफ करने लगते हैं। सोलो को भी आयशी के लंबे बाल बहुत अच्छे लगते हैं। सभी मिलके आयशी को उनके टीम में ज्वाइन करने के लिए कन्विंस करने लगते हैं। आयशी दोबारा खेलना नहीं चाहती थी, इसीलिए सोलो उसे मैनेजर की पोस्ट के लिए कन्विंस करने लगता है, और वो कहता है जब तक वो राजी नहीं हो जाती वो उसे कन्विंस करता जाएगा। 97 शेंजे से बार बार उबई के बारे में पूछने लगता है, पर ये दोनों तो एक दूसरे में बिजी होते हैं। फिर शेंजे बहुत इरिटेट होकर उसे बताता है। आयजिंग पूछती है उबई किसे पसंद करता है। शेंजे कहता है ऐसा कोई जो उससे एज में बड़ी हो। आयजिंग कहती है इसमें कौन सी बड़ी बात है, आजकल के जमाने में ये सब कौन मानता है। शेंजे तब उसके लिए पूछता है क्या उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो 3 साल छोटा हो तो भी नहीं। आयजिंग उसकी बातों का मतलब बहुत अच्छे से समझ रही थी। वो कहती है उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और शेंजे को तो कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। वहाँ इनका लंच खत्म होने पे सोलो आयशी को होटल छोड़ देने की बात करता है। बेचारा उबई आयशी के आने का इंतजार करते करते एक्सरसाइज करने चला जाता है। फिर वो सोलो के साथ आयशी को आते हुए देखता है। आयशी ठीक से खाई नहीं होती है, इसलिए सोलो उसे खाने पे चलने के लिए कहता है। उबई को उसे सोलो के साथ अकेले नहीं छोड़ना था, तो वो भी जाने की बात करता है। फिर यहाँ आके उबई आयशी को अपने पास बिठाता है, पर वो चेयर टूटी होती है तो आयशी सोलो के पास जाके बैठती है। उबई का मुंह उतर जाता है। सोलो जानता था आयशी को खाने पे स्पाइसी चीजें पसंद है, पर उबई का पेट खराब होते हुए भी आयशी को दिखाने के लिए वो भी स्पाइसी फूड ऑर्डर करता है। सोलो को थोड़ी देर के लिए फोन करने बाहर जाना पड़ता है। ऐसे में उबई उसका चेयर आयशी की नजरों से बचा के अपनी तरफ करने लगता है, पर सोलो आके चेयर को फिर से पहली जगह पे लेके बैठता है। सोलो आयशी की खाने का केयर कर रहा होता है, और हमारे उबई के दिल में आग जल रही होती है। वो अपने मन में कहने लगता है उसे अभी तक आयशी के पसंद नापसंद के बारे में नहीं पता। उसे खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर फिर भी वो खाना ठूसते ही जा रहा था। अगले दिन आयशी का तो लक ही खुल जाती है। एक तरफ उसका बॉस उसके लिए VIP सीट लिया होता है, और वो आयशी से ऐसे ट्रीट करने लगते हैं जैसे वो उसका मैनेजर हो। फिर डायरेक्टर आके आयशी को उनके साथ बैठने के लिए कहते हैं। उसके बाद सोलो की टीम उसे उनके साथ बैठने के लिए कहते हैं। उनमें से एक तो आयशी को जबरदस्ती उनके साथ बिठाने ले जाता है। वैसे आयशी को इतनी इम्पोर्टेंस मिलने पर भी उसे एक्साइटमेंट नहीं हो रही थी। एंकर सबसे पूछते हैं क्या कोई आयशी का फोटो अपने डेस्कटॉप गैलरी पे सेट करना चाहता है। वहाँ पे मौजूद एक दो को छोड़ के लगभग सभी अपना हाथ उठाते हैं। उबई भी उठाने जाता है, पर ऑकवर्डनेस की वजह से उठा नहीं पाता। आयशी सोलो इन्हें स्क्रीन पे दिखाया जाता है। उनके पुराने कंपटीशन जीतने की वीडियो भी चलाई जाती है। ये देख के वो सब थोड़ा इमोशनल हो पड़ते हैं। फिर ये तीनों मिलके सबको सर झुका के थैंक यू कहते हैं। उबई उठ के तालियां बजाने लगता है। उसे देख बाकी भी उठ के तालियां बजाते हैं। बाद में ये सब मिलके हैंग आउट करने बाहर आते हैं। ये चारों मिलके अलग अलग पोज लेके फोटो खिंचवाते हैं। आयशी उबई को पोज देके खड़ा होने को कहती है, पर उबई को कहां ये सब आता था। शिंजे आके आयशी को उबई को पोज ठीक कर देने के लिए कहता है। आयशी सच में उसको पोज देना सिखाने लगती है। फिर शिंजे उन्हें पास पास एक साथ करके फोटो लेता है। उबई के दिल में तो लड्डू फूट रहे होते हैं। आयजिंग आके उबई को हैंडसम कहने लगती है, तो शिंजे को जलन होने लगती है। वो आयजिंग को फिर से ठीक से सोच के देखने के लिए कहता है कि कौन सबसे ज़्यादा हैंडसम है। आयजिंग तब भी उबई को ही ज़्यादा हैंडसम कहती है। बस शिंजे को गुस्सा आ जाता है। आयजिंग के पूछने पर भी वो उसके साथ आइसक्रीम खाने नहीं जाता। उबई शिंजे से उसकी और आयशी की फ़ोटो मांगता है, पर शिंजे एक एक फ़ोटो के लिए पैसे मांगता है, और उबई भी सच में पैसे दे के उससे फ़ोटो लेता है। एक तरफ उबई उन
फोटो को देख के खुश हो रहा था और दूसरी तरफ आयशी भी खुश हो रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं उबई शिंज के पास आता है, उसे उसकी टीम में ज्वाइन करने के लिए कन्विंस करने लगता है, पर शिंज उसके बदले ऊंची सैलरी और कैप्टन का पोस्ट मांगता है। उबई राजी हो जाता है पर फिर भी शिंज ना कहता है, एक्चुअली उसे ज्वाइन करना ही नहीं था। शिंज का सपना सोलो का जूनियर बन के नहीं बल्कि उसके ऑपोजिट खेल के उसे हराना था। उबई उसे इस सपने को पूरा करने का चांस दे रहा था, उन दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत थी। शिंज कहता है उनके बस की बात नहीं है सोलो को हराना, क्योंकि ना ही उसके पास उतना बजट है और ना ही टीम में इनफ मेंबर्स। पर उबई इस बारे में बहुत कॉन्फिडेंट था। शिंज अपना फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए स्विमिंग कर रहा होता है। आईजिंग आके उसे बात करके काफी हद तक उसका स्ट्रेस घटा देती है। अगले दिन जाते वक्त शिंज आके उबई के टीम में ज्वाइन करने की बात करता है, उसके बदले वो ना तो ज्यादा सैलरी चाहता था और ना ही कैप्टन का पोस्ट, वो तो बस वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतना चाहता था। उबई भी उसे भरोसा देता है कि वही जीतेंगे। फिर ये सब एक साथ जाने लगते हैं। वापस आके आशी सबको अपनी पुरानी कलीग स्लाइड के पास ले आती है। उबई को देख के वो बहुत खुश होता है। थोड़ी देर बाद दुकान के बाहर लड़कियों की भीड़ लग जाती है। इसे देख के आशी को एक आइडिया आता है जिससे स्लाइड के बिजनेस में प्रॉफिट हो सकती थी। वो उबई शिंज 97 को ऑटोग्राफ का प्रोग्राम करने के लिए कहती है, इससे उन्हें उनका ऑटोग्राफ भी मिल जाता और स्लाइड के दुकान से चीजें भी बिक जाती। स्लाइड ऐसा नहीं करना चाहता था, मतलब उसे फायदा नहीं उठाना था, पर उबई आशी की बात फेंक नहीं सकता था। ज्यादा से ज्यादा ऑटोग्राफ तो सब उबई से लेने लगते हैं। आईजिंग आशी से कहती है उबई सच में बहुत हैंडसम है, वो उसे कहीं जाने ना दे। स्लाइड सबको अपनी तरफ से ट्रीट देने यहाँ ले आता है। सभी एक साथ ड्रिंक करने लगते हैं। आशी को कुछ ज्यादा ही चढ़ जाती है। पहले तो वो बात करते करते सोफे पे सो पड़ती है। आईजिंग उबई को आशी की तरफ हर वक्त एक अजीब नजरों से देखने के लिए पूछती है क्या वो उसे पसंद करता है। इस बात से उबई ऑलरेडी ऑकवर्ड फील करने लगता है और ऊपर से आयशी भी अचानक से उठ के उबई का हाथ पकड़ के उसे उसके घर चलने के लिए इंसिस्ट करने लगती है। आयशी के पास अभी भी उबई का गोल्ड मेडल रखा था तो वो उसे ही लेने जाने के लिए कहने लगती है और फिर से सोफे पे सो पड़ती है। बाद में गाड़ी पहले आयशी के घर पे रुकती है। आयशी उबई से आयशी को ले आने के लिए कहती है। उबई उसे उठाने जाता है तो आयशी कहती है उसे ठंड लग रही है। फिर उबई अपना जैकेट खोल के आयशी को पहनाने लगता है। उसके बाद उसे पीठ पे बिठा के ऊपर ले जा रहा होता है। अंदर आके वो आयशी के पापा को देखते हैं जो कि अपनी बेटी के घर आए होते हैं। आयजिंग और उबई तो उन्हें देख के घबरा ही जाते हैं। उबई आयशी को कमरे में सुलाने ले आता है। बाद में आयजिंग के कहने पे उबई शिंज और 97 को भी ऊपर ले आता है सुलाने के लिए। रात में वो सब आयशी के घर ही रुकने वाले थे। आयशी के पापा उबई से बात करने लगते हैं। उन्हें सबका ड्रिंक करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वो उनके इतने ज्यादा ड्रिंक करने का रीजन पूछने लगते हैं। तब आयजिंग स्लाइड को फोन लगाती है उन्हें ये विश्वास दिलाने के लिए कि वो सब पुराने दोस्त बहुत टाइम बाद मिले थे तो बस उसी खुशी में वो सब ड्रिंक किए थे। आयजिंग अपने पापा को घर चले जाने के लिए कहती है। पहले तो वो जाना नहीं चाहते थे पर आखिर में वो जाने के लिए राजी हो जाते हैं। बाद में उबई आशी को देखने आता है। उसे गर्मी लग रही होती है तो उबई उसका पसीना पोंछने लगता है। ऐसे में आशी उसका हाथ कस के पकड़ने लगती है। वो कहती है उसके वापस आने पे वो बहुत खुश है। उबई इस बात से खुश होने ही जा रहा था कि तभी वो कहने लगती है उसके जैसा जीनियस अगर वापस नहीं आता तब ये बहुत दुख की बात होती। बस ये सुन के उबई का हैप्पीनेस चला जाता है। आयशी इस फील्ड में लौटना चाहती थी पर वो इस चाहत को अपने दिल में दबा के रखती थी क्योंकि उसे एक स्टेबल जॉब चाहिए था जिससे वो अपने घर का लोन चुका सके। उबई कहता है अगर वो इस फील्ड में लौटना चाहती है तो वो उसका साथ देगा। रात में आयशी पानी पीने बाहर आती है। उबई उसे पानी देने लगता है। बाद में आयशी उबई के इतने करीब आके पूछती है उसने उसे 3 साल पहले हराया क्यों था और वो उसके सारे मूव्स कैसे जानता था। उबई कहता है क्योंकि वो उसे अच्छे से जानता है। आयशी कहती है तो फिर वो बिना गुड बाय कहे क्यों चला गया था। उबई अपनी सर्जरी की बात करता है पर आयशी उसके सीने पर सर रख के सो जाती है। अगले दिन सुबह सुबह फिर से आयशी के पापा ब्रेकफास्ट लेके चले आते हैं। फिर तीनों ब्रेकफास्ट करते करते बात करने लगते हैं। आयशी के पापा उबई को अपने बारे में बताने के लिए कहते हैं। फिर वो उससे पूछते हैं क्या उसकी गर्लफ्रेंड है।